वह कतई जहर स्माइल, कतई जहर स्माइल, वो गुजर लोग बात कर रहे हैं, देख सुनना हम। सो हेलो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम तरुण ग्वाला हियर विद माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इसलिए बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली है विजी ट्रॉफी 2K19, जो कि लाइव टेलीकास्ट होने वाली है। एक्चुअली विजी ट्रॉफी जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसका जो फाइनल मैच है वो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है और हॉटस्टार पे भी लाइव टेलीकास्ट होगा। सो लाइव टेलीकास्ट के लिए जो कंपनी यहाँ पे आई है वो है प्लैनेट कास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट। सो गाइस, यहाँ पे भी हो रहे हैं कैमरा सेटअप, कैमरा क्योंकि चारों एंगल से कवर करना पड़ेगा क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा गेम है अपने आप में ही। और उधर मेरे पीछे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो है कुछ टीम प्रैक्टिस कर रही है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिखा देता हूँ, वेट। और इधर जो है वो कैमरे का सेटअप हो रहा है यहाँ पे पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पर कैमरा लग रहा है, वो ब्लैक पर्दा लगा है जिससे कि प्लेयर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। और पिच की भी बहुत अच्छे से मरम्मत की जा रही है पीछे की साइड, पिच भी मतलब हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो पिछले एक महीने से इस काम पे मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं कि ग्राउंड को अच्छे से अच्छे मेंटेन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं, वो दिखाई जाए लाइव टेलीकास्ट के अंदर। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, कैमरा नंबर 7 एंड 8, और बाकी के कैमरे कहाँ लगेंगे पता नहीं। तो हमारा जो कमेंट्री बॉक्स होने वाला है वो वहाँ से होगी कमेंट्री, वो पूरा अंदर एक ऑफिस बना दिया गया है पूरा कमेंट्री के लिए, और जो भी कमेंटेटर होगा वो वहीं पे बैठा होगा। ये जो इस साइड का जो एंगल कवर होने वाला है पिच का, वो इस कैमरे से होगा। काफ़ी महंगे महंगे कैमरे जब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे भी सपने अंदर से जाग रहे हैं कि महंगा कैमरा लेना। लेंगे, अपना टाइम आएगा। मैक्सिमम 2 कैमरा है यहाँ पे बड़े बड़े, जो कि जिनके लेंस काफ़ी इतने खतरनाक लेंस है कि अगर एक चीड़ी भी पिच पे चल रही होगी तो वो भी दिख जाएगी। ये है बहुत बड़ा माइक्रोफोन डेड किट के साथ बिल्कुल, क्योंकि डेड किट जो है विंड नॉइस को कम करता है। यहाँ पे अधिकतर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, जो रॉड के जो माइक आते हैं वो छोटे वाले माइक यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट है तो बड़े टूर्नामेंट के लिए बड़ा वाला माइक। मनोर मेल होगा ना, अरे 1 ओन चेक अस्पताल बेरे। अगर एक ब्लॉगर इतना बड़ा माइक यूज़ करे तो कैसा लगेगा, कॉमेंट करके बताना नीचे। अभी जो पीछे चल रहा है वो कैमरे का इशू चल रहा है कि कुछ कैमरे ऑन है कुछ कैमरे बंद है, तो वही उनका काम है और वो लोग बहुत ही अच्छे से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि कौन सा कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है और कौन सा कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जिंदगी में पहली बार किसी लाइव टेलीकास्ट से पहले मैं किसी ग्राउंड में खड़ा हूँ, और ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे आईपीएल के ग्राउंड में खड़ा हूँ। सच में बिल्कुल जो ITM यूनिवर्सिटी ने जो मेहनत की वो किसी आईपीएल से कम नहीं की है। एक तरह से काफ़ी प्यारा टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में। सो गाइस, अभी मैंने एक चीज़ कवर करने की कोशिश की पूरी है, और ये जो ब्रदर मेरे साथ है ये मुझे ले जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रिक्वेस्ट की मैंने और भैया मान गए ना पड़ेगा। लुक एट भाई, जहाँ से अभी हमको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग करने में, ऐसे ब्लॉग नहीं बनते। ऊपर चढ़ना पड़ रहा है भाई लोगों आपके लिए, तो इसी बात पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे देखने में डर लग रहा है, बट ठीक है, करना पड़ता है ब्रो। या
सो सबसे पहले यहाँ लेके आने के लिए भैया को सबसे अच्छा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू कैसा लगेगा। और ये जो कैमरा सेटअप पूरा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैमराज रखे हैं प्रोडक्शन के, और बहुत ही महंगे महंगे कैमरा है, इसलिए मेरा यहाँ पे अलाउ नहीं है, सांस फूल गई सॉरी। और ये रहा यहाँ से कुछ व्यू। सो यही कैमरे हैं जो कि हेल्प करते हैं एक बॉल को दूर से कवर करने में और बिल्कुल रिकॉर्ड करने में, और अच्छी अच्छी बारीकियाँ जो है वो इन कैमरे से रिकॉर्ड हो जाती हैं यहाँ पे बस। और यहाँ से आप व्यू इन्जॉय कीजिए कि यहाँ से कल जो टेलीकास्ट होगा वो व्यू कितना ख़तरनाक आने वाला है। सो आप लोगों ने बहुत ही कम देखा होगा किसी मैच को स्टार्ट होने से पहले उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो मैं पूरी आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यार लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताइएगा कि इन कैमरास को पहले किस किस ने देखा है, और अगर इनका मॉडल नंबर अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यही वो भाई है जिनकी वजह से मैं ऊपर का पूरा एरिया कवर कर पाया। भाई आपका नाम? मेरा नाम धीरज। धीरज इनका नाम, तो इनके लिए एक बिग थम्स अप। तो थम्स अप कैसे देना है इनको? लाइक करो वीडियो को तो इनको ऑटोमेटिक थम्स अप मिल जाएगा। इंटरजोनल विजिट ऑफ आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर अप्रूव्ड बाय बीसीसीआई। ये है यहाँ का प्रोडक्शन हाउस जहाँ से सारे कैमरेज ऑपरेट होंगे। मतलब एक लाइव टेलीकास्ट करना इतना आसान नहीं होता। सारे भाई भैया क्या है, ऐसा लग रहा है किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। Who will win in that? Then they'll go for All India. Who will perform in that? From there they'll select South Zone, West Zone, East Zone, North Zone. Stop this. So we'll perform in this will get selected for Indian University. हाँ ओके ओके थैंक यू। तो अभी जैसे कि हमें पता चला है कि जो आगे जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि कल अगर आप आओगे तो कल आप और अच्छे से जो यहाँ का कंट्रोल रूम है उसको एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि अभी कुछ कैमराज अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। सो मिलते हैं कल सुबह लाइव टेलीकास्ट के वक्त। सो तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं, मैच 9 बजे का स्टार्ट हो चुका है। टॉस जो हुआ था वो सुबह 8:30 बजे हो चुका था, लेकिन एक ब्लॉगर हमेशा की तरह लेट है। तो और ये आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में बिल्ली का पट्टा क्यों है। बिल्ली का पट्टा नहीं है, एक्चुअली आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि आज मुझे अनडिसाइंड जगह घुसने में, इलीगल जगहों में घुसने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इलीगल जगह जहाँ पे नो एंट्री होगी, और बस वहाँ पे घुसने के लिए ये पट्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे सलीम भाई, हमारे फोटो तो वो एंकरिंग वाले फोटो तो दिला दो सलीम भाई। ये हमारे सलीम भाई जो कि आईटी यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफर है, और जितने भी आईटी यूनिवर्सिटी के पूरे फोटोज हैं वो इनके पास मिल जाएंगे, इनके ऑफिस में जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइस अभी जो कमेंट्री चल रही है वो ये जो मेरे पीछे जो कैबिन बना हुआ है फुल एसी है, मतलब कमेंटेटर भी मज़े ले रहे हैं आईटीएम में आके। आईटीएम वालों ने एक्चुअली बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उन्हें, तो जो भी कमेंट्री हो रही है वो एसी के अंदर हो रही है, और जो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो हो रहा है हॉटस्टार पे। और अगर आपने नहीं देखा हो ये मैच तो आप हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो, अभी भी टाइम है। एक्चुअली जब तक मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँगा तब तक शायद हट चुका होगा, लेकिन जहाँ पे भी ये मैच देखने के लिए अवेलेबल होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो पूरा टेलीकास्ट हो रहा है वो सैटेलाइट एंटीना के थ्रू हो रहा है, यहाँ से ही पता नहीं कुछ। अब ये तो इंजीनियर ही समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, तो हम कहाँ इतना समझेंगे। मतलब एक ब्लॉगर होने का इतना फ़ायदा होता है कि जब ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ साथ में होता है तो यहाँ पे ट्राईपॉड का जो यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक अगर जब अंदर जाने की हमें एंट्रीज नहीं मिलती है तो ऐसे ट्राईपॉड यूज़ करके हम मैच देख सकते हैं ऑनलाइन हॉटस्टार पे। तो
गाइस यहाँ पे कैमरा, आप घर पे बैठ के मैचेस तो देखते हो लेकिन घर पे बैठ के मैच देखना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे जो कैमरे के पीछे जो मेहनत होती है वो मेहनत पीछे आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो एक लाइव मैच के पीछे जो मेहनत होती है कैमरामैन की वो इस तरीके से होती है, कुछ बिल्कुल धूप में खड़ा होना पड़ता है। सो लाइक ज़रूर बनता है इनके लिए यार, इनके लिए ज़रूर लाइक करना। और जब कैमरा हमारी तरफ फोकस होता है तब कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली आपका भाई टीवी पे है और टीवी की क्लिप ये रही, देखो जल्दी देखो जाके भाई, जल्दी भाई हाथ हिला रहे ऐसे, अब आ गए गलती से यार, देख लो। So guys, मैं आज इसलिए नहीं हूँ कि मैं आप मैच दिखा पाऊंगा, मैं इसलिए हूँ कि एक लाइव टेलीकास्ट के पीछे किन किन लोगों की सबसे ज्यादा मेहनत होती है। जैसे कि इधर मैं दिखा दूँ आपको कि जो कैमरा मैन है वो कब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और साउथ जोन ने जो स्कोर किया है कितना किया है, 274, मतलब 275 का जो टारगेट मिला है वो यहाँ पे मिला है नॉर्थ जोन को, और जो कि नॉर्थ जोन के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और साउथ जोन में मैं आपको बता दूं कि एक प्लेयर जो था जिसका नाम है वर्मा, जो कि विकेट कीपर है, शायद विकेट कीपर है, तो मतलब एक महेंद्र सिंह धोनी की इमेज दिख रही थी मुझे। और देखो मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मतलब धोनी दिखना उसमें, मतलब लास्ट शॉट उसने सिक्स मारा था लेकिन कोई बात नहीं, वो बाउंड्री पे जाके कैच हो गया, वो शॉट में ले नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा लेंस नहीं है कि मैं दूर के जो शॉट्स है वो कवर कर पाऊँ या शूट कर पाऊँ। बट कोई बात नहीं, वर्मा अगर ये मेरी वीडियो अगर ये वर्मा देखेंगे आगे इन फ्यूचर कभी जाके तो वर्मा को हैट्स ऑफ। सो नॉर्थ जोन की बैटिंग अभी बाकी है, तो नॉर्थ जोन की बैटिंग से पहले कुछ खा के आ जा, भूख लगी, कब से बैठे हैं यार। A few moments later. So guys, once again, I'm back after my lunch. और lunch के बाद यहाँ पे जब मैं आया तब तक तीन विकेट यहाँ पे गिर चुके थे। और साउथ जोन बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है, बैटिंग लाइनअप नॉर्थ जोन का इतना अच्छा नहीं है क्योंकि नॉर्थ जोन के तीन विकेट अभी तक गिर चुके हैं। तीन विकेट का नुकसान नॉर्थ जोन को बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि अब भी स्कोर भी ज़्यादा नहीं हुआ है और टारगेट जो है वो है 275 का। और बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत बादाम काजू शेक पी के आए हैं साउथ जोन वाले, क्यों ना। हाँ भाई मैम, थोड़े ग्वालियर की लैंग्वेज बोल दो तो हमारे तुम्हारे ग्वालियर के सब्सक्राइबर्स थोड़े अच्छे का। नहीं भाई, जो मैडम कह रही है कि कैमरा बंद कर दो, तो कैमरा ऐसे क्या बंद कर दिया भाई, कहाँ देखिएगा। तो मैडम क्या चल रहा है जीवन में, लाइव स्पोर्ट्स वह कतई जहर स्माइल, कतई जहर स्माइल, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। हाँ मैडम, वो भागा तो भागा, ये क्यों भागा? नहीं मैडम, वो भागा इसलिए वो भागा और वो भागा इसलिए वो भागा, तो दोनों भागे भागे बड़े भीगे भागे से लोग। पहले मैं सोचता था कि ब्लॉगर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, घूमता है फिरता है ऐश करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सोने से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और सच में काफ़ी जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, MSK व्लॉग्स है, मुंबई का निखिल है, MO व्लॉग्स है, MO व्लॉग्स बहुत से लोग बोलते हैं, और एक और जो है हमारे फ्लाइंग बीस्ट मतलब फ्लाइंग बीस्ट सर को तो मेरी तरफ से सैल्यूट है क्योंकि वो एक पायलट भी हैं और एज अ ब्लॉगर भी है, जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो ब्लॉग बनाते हैं और दो दो चैनल हैंडल करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल हैंडल कर रहे हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इंस्पायर उन्हीं से होता हूँ। हाँ हम तो छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, क्या बस बना रहे हैं। गाइस साउथ जोन में मुझे सबसे अच्छा प्लेयर लगा है वो है वर्मा, जिसने बैटिंग बहुत ही अच्छी करी थी और अभी यहाँ पे बॉलिंग भी भाई अपने बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी, मतलब बॉल डालते ही और अगर बॉल अगर स्टम्प की लाइन में आ रही है तो वहाँ पर फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो वर्मा यार बस शर्मा ढूंढने की देरी अपने को लड़की में, वर्मा जी के लिए और क्या। जो लेके आया वो पिएगा पहले, वो बाद में पीता है, खाली हो वापस। सही बोलो, झटका से लगना चाहिए, बोलो मैं तो भरी हुई बोतल लेके आया था, ये खाली कैसे हो गई। जल्दी बेटा वापस आ जा। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब guys, good job, बहुत बढ़िया, good, thank you भैया, thanks, good, बढ़िया।
सो गाइस यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो फाइनल कप उठा लिया है साउथ जोन टीम ने, और साउथ जोन टीम जो है वो ब्लू में है, और जो नॉर्थ जोन टीम है वो है येलो और ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंज टी शर्ट में। सो गाइस आज की विनिंग टीम की खुशियों के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में फुल बैटरी के साथ, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। बूम।